नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस के मौजूदा क्राइसिस की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री दुनिया में बंद हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान जिस इंडस्ट्री पे बेस करता है वो है ज़राअत। ये एक ऐसा शोबा है जिससे मुल्क पूरी दुनिया के तकरीबन 60% लोग फ़ायदा लेते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि जो पेट्रो इकॉनमी है, जो ऑयल है, गैस है, उसके हालात तो काफ़ी मखदूश हैं, क्योंकि कोरोना ने लोगों को घरों में महदूद कर दिया है। वो चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, तो इन हालात में गो के पूरी दुनिया में क्राइसिस है। पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी ज़राअत को फ़रोग दे। मेरे साथ आज पैनल में मौजूद हैं अली रज़ा, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल कर रहे हैं और इनका पीछे सबमिट होने वाला है। इनसे पूछेंगे कि हमारी ज़राअत में कितना का पोटेंशियल है और कितना वर्क किया जा सकता है। जी अली, बताएं कि पाकिस्तान की जो ज़राअत है उसके ज़रिए हम कितना का एक्सपोर्ट रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं और इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं हो रहा अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने सवाल किया है कि पाकिस्तान में ज़राअत का जो इसमें एक्सपोजर कितना है, तो पहली तो बात यह है कि आप भी जानते हैं कि 70% जो है ना लैंड जो पाकिस्तान की है वो ज़रई लैंड है, ठीक है। इसके बावजूद जो है ना हम ग्रो नहीं कर पा रहे, उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये एक ही मुझे समझ आती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। गवर्नमेंट जो है अपनी इसके हवाले से पॉलिसी को रिव्यू ही नहीं करना चाह रही, ठीक है। जहाँ पर है जैसे है कि पॉलिसी चल रही है, जो किसान है वो अपने तौर पर जितना इसको बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा लें, गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही। हालांकि होता ये है कि जो कंट्री जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है वो अपनी एक्सपर्टीज को दुनिया में मार्केट करता है और उसी हवाले से वो रेवेन्यू जनरेट करता है। तो पाकिस्तान में इसके उल्ट है, ठीक है। पाकिस्तान जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उस चीज़ को जो है ना वो कमी की तरफ ले जाता है। जो जितना रेवेन्यू पहले जनरेट कर रहा होता है उसमें कमी ही आती, हम उसमें मतलब मास्टर लेवल तक नहीं जाते, ठीक है। हम उसमें जो है ना वो एक्सपर्टीज लेते हैं दूसरे कंट्रीज की, जो हमसे अगर पीछे टाइम में हिस्ट्री में जाएं या पिछले टाइम में जाएं तो वो हमसे असिस्टेंस लेते थे, ठीक है। लेकिन अब के मामले में आगे वो हमसे आगे चले गए हैं और हम उनसे असिस्टेंस ले रहे हैं। इसकी वजह क्या है, क्यों हम लोग पीछे क्यों चले गए हैं? इसमें सबसे एक तो चीज़ बड़ी ये है कि कोई भी आपकी इंडस्ट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है एक्सपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो ज़राअत के हवाले से आपके फूड या जो वेजिटेबल मार्केट है, आपको इस चीज़ का भी पता कि ये जो है पेरिशेबल आइटम्स है, तो इनकी एक्सपोर्ट के लिए जो है ना आपको ज़्यादा एडवांस जो है ना इकदाम करने पड़ते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, वो दूसरे कंट्री तक ईजीली और आसानी से विद इन टाइम जो है ना पहुँच जाए उसके ख़राब होने से पहले। लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि एक तो यहाँ से अगर किसी के साथ आपका वायदा हो जाता है तो जो चीज़ जाके फटती है, फंस जाती है, वो पोर्ट के ऊपर या एयरपोर्ट के ऊपर फंस जाती है, तो वो दूसरे कंट्री में जाने की बजाय यहीं पे ही ख़राब हो जाती है मसाल। और इसके अलावा फिर एक और चीज़ ये है कि हर कंट्री का अपना सिस्टम होता है इसका प्रोसेसिंग का। जैसे कोरिया, साउथ कोरिया ने और जापान ने आम के हवाले से पाकिस्तान को गर्म पानी की प्रोसेसिंग का कहा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद आपके आम में जो है ना एक्सपोर्ट उस लेवल की नहीं है। रीज़न क्या है? लैक ऑफ, आप कह लें कि इंटरेस्ट और लैक ऑफ सीरियसनेस, ठीक है, इसकी वजह से है। फिर एक और चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान में हम जो भी फूड इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे हम जो फ्रूट लेके आते हैं बाजार से, वो हल्का सा आम को झुर्री पड़ी हो तो हम वो उसको बॉदर नहीं करते कि ये मतलब यूजेबल क्वालिटी का नहीं है। हमारे लिए वो यूजेबल क्वालिटी का होता है, अच्छा होता है, लेकिन एक्सपोर्ट में ये होता है कि जो चीज़ ऐसी हो उसको वो फेंक देते हैं, ठीक है। अब माल्टे को हम ले लेते हैं, कि माल्टे का अगर छिलका बाहर से सख्त होना शुरू हो जाए, ठीक है, उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाए, तो हमारे यहाँ पर हमें ये पता है कि वो अंदर से फ्रेश होता है, ठीक है, उसकी स्किन जो है वो खत्म हो रही है, ख़राब हो रही है, लेकिन वो अंदर से फ्रेश है। बाहर ये होता है, यूरोप में ये होता है कि वहाँ पर जो इसको थोड़ा सा इसकी फ्रेशनेस में कमी आती है तो वो उसको फेंक देते हैं, ठीक। इन चीज़ों को हमें फोकस करना पड़ना है कि हम ये किस तरह से इसको इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूवमेंट के हवाले से आपके ख्याल में क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए? गवर्नमेंट को सबसे पहले तो जो है ना इसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इसकी एक्सपोर्ट के लिए एडवांस मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे कोरोना वायरस इशू जो है ना वो चल रहा है कि हर जगह पे प्रॉब्लम है, आप हर चीज को रोक सकते हो,
इंसान की जिंदगी बचाने के लिए उसको घर में जो है ना महदूद कर सकते हो, लेकिन उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसको खाने से नहीं रोक सकते। अगर वो खाने से रुकेगा तो आप उसको बाजार में निकाल दो, वो फिर भी मर जाएगा। ठीक, मतलब कि इस क्राइसिस में पाकिस्तान के लिए ज्यादा मौके हैं, पाकिस्तान के लिए ज्यादा मौके हैं अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करने के लिए। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जो कंट्रीज ऑयल के ऊपर डिपेंड है जिनकी इकोनॉमी, मिसाल के तौर पर ये मिडल ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, ठीक है, हम मिडल ईस्टर्न स्टेट्स हैं या जो आपके सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ठीक है, ऑयल एंड गैस के ऊपर ये इनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है, ये डाउनफॉल का शिकार है। रीजन आपको भी पता है, आपकी टूरिज्म बंद है, जो ऑयल एंड गैस है ये हेल्पिंग जो है ना वो हैंड है किसी भी चीज की आमदोरफ्त के लिए, ठीक है, मतलब अगर किसी टूरिस्ट ने आना है तो उसने भी पेट्रोल को यूज करके जाना है, ठीक है। अगर आपने अपनी जरई जो है प्रोडक्ट को किसी जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है वो भी उसने उसी के थ्रू है, ठीक। जैसे कि अभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अभी तो जो आमदोरफ्त बंद है, ठीक है, तो अभी भी अगर कोई इकोनॉमी बंद नहीं हो रही, ग्रोइंग कंडीशन के ऊपर है, ठीक है, यूजेज में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर। अच्छा, इसमें एग्रीकल्चर का आपने बताया कि पाकिस्तान के लिए बड़े हौसला अफजा मामला है, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि देखा ये गया है कि जो काश्तकार फैमिलीज हैं उनकी जो नई नस्ल है वो इस साइड पे बड़ा काम आ रही है, उसकी वजह क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ये क्या मार्जिन कम है, इसमें क्या है उसका? सबसे पहले फिर बात वही आ जाती है कि आप जो है जो बंदा एक मेहनत कर रहा है आप उसको क्या दे रहे हो, वो क्या अंतर है? जो मिट्टी के साथ मिट्टी हो रहा है, ठीक ठीक है, जो स्प्रे कर रहा है अपनी फसल के लिए, दुआएं कर रहा है, ठीक है, अल्लाह पाक से जो उसको बारिश हो जाए, तो वो अगर बेमौसमी बारिश है तो वो फिर परेशान है, ठीक है, अगर तो मौसम के हिसाब से बारिश नहीं होती वो फिर परेशान है, ठीक है। पहली तो चीज ये है कि गवर्नमेंट ने कोई भी इस तरह की जो है ना बड़े लेवल के ऊपर ऐसी मुहिम नहीं चलाई, जो अगर चलाई भी है तो वो भी मतलब इतने सीरियस नहीं चलाई इन्होंने ना कि वो किसान की तरबियत की जाए, ठीक, उस हवाले से। अब वो जो उसने कर लिया है ये मामला, अगर वो ये सारे क्राइसिस से निकल के अपनी फसल को तैयार करने में कामयाब हो गया है, देन अगला इशू आ जाता है कि उस मार्केट रेट का, उसको मार्केट रेट उस लेवल का नहीं मिलता कि वो उसको सेल करे, ठीक है। अब सारा प्रॉफिट तो लेके जाते हैं फिनिश गुड वाले, मतलब गन्ना है, ठीक है, जो गन्ना प्रोड्यूस कर रहा है उसको वो रेट नहीं मिल रहा जो कि एक मिल ओनर उससे गन्ना परचेज करने के बाद शुगर बनाने के बाद वहां से वो कलेक्ट करता है,